हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज इन मॉडर्न इंडिया की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, जिनके पॉलिटिकल गुरु रहे महादेव गोविंद रानाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले खुद गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में उभरे एक लिबरल मॉडरेट लीडर। आइए जानते हैं इनके जीवन के सुने अनसुने पहलुओं को। चलिए शुरू करें। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कोथुलुक नाम के गांव में 1866 में। एक मराठा ब्राह्मण फैमिली के रहने वाले थे वो। पिताजी का नाम कृष्णाराव गोखले और माताजी का नाम वालूभाई गोखले। शुरुआती जीवन में उनकी जो शिक्षा थी वो लोकली कोल्हापुर में ही हुई, राजा राम हाई स्कूल में। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए वो मुंबई की तरफ बढ़े, बॉम्बे, उस समय का बॉम्बे, एल्फिंस्टन कॉलेज। 1884 में उन्होंने आर्ट से अपनी बैचलर्स की पढ़ाई यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और उसके बाद वो यहाँ अपने गुरु, अपने टीचर महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा शुरू किए गए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का मेंबर भी बने। और उसके बाद उन्होंने काफी लंबे समय तक एक प्रोफेसर और बाद में प्रिंसिपल के रूप में फर्गुसन कॉलेज पूना में सर्विसेज भी दी। इसी के बीच हम देखते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा शुरू किया गया एक रीजनल एसोसिएशन पूना सार्वजनिक सभा की जर्नल्स जो छपा करते थे, जो क्वार्टरली छपा करते थे, उनको एडिट करने का काम भी गोपाल कृष्ण गोखले के ही हाथ में था। महादेव गोविंद रानाडे के कॉन्टैक्ट में आते हुए ही 1886 में गोपाल कृष्ण गोखले की एंट्री हुई पब्लिक लाइफ में। आप यहाँ बहुत सारे इंडियन लीडर्स को एज इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में देखोगे। इकोनॉमिक क्रिटिक के रूप में वो यहाँ पर भारत में ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे जिसके वजह से इंडिया का पैसा ड्रेन हो रहा था, यानी बह रहा था इंग्लैंड की ओर। और इसी में यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए वेलबी कमीशन भी आया था 1895 में। ऑब्वियसली इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उनके प्रेशर में ही ये वेलबी कमीशन ब्रिटेन के द्वारा भेजा गया। लेकिन वेलबी कमेटी के जो मेंबर्स थे वो इंडिया नहीं आए, बल्कि इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट रीजनल एसोसिएशंस थे, नेशनल एसोसिएशंस थे, उन सभी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को इंग्लैंड बुलाया गया। तब गोपाल कृष्ण गोखले मिस्टर WC वाचा जो हैं उनके साथ इंग्लैंड जाते हैं वेलबी कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। उस रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक एक एविडेंस दिखाया, जिसमें उन्होंने ये शो किया कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ हैं, कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा सिविल और मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है, जो खर्चा किया जा रहा है, वो इंडियन रेवेन्यू में से कटता है, और कैसे भारत का पैसा लूटा जा रहा है। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय की एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, जिसका हिस्सा गोपाल कृष्ण गोखले भी बने। उन्होंने 1899 में कांग्रेस के सेशन अलाहाबाद सेशन को ज्वाइन किया। जल्द ही हम देखते हैं कि कैसे वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी बने, और उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में भी सामने आए, वो भी 1902 में। इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का मेंबर बनके उन्होंने बहुत से एरियाज को टारगेट किया और यहाँ पर ओपनली लोगों के सामने अपने मत को रखा। बॉम्बे और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनको बहुत ही जेंटल लैंग्वेज में जाहिर किया, बल्कि वो तो हार्डेस्ट चीज़ों को यानी कि तकलीफ देने वाली चीज़ें जो हैं उनको बहुत ही खूबसूरत फ्लावरी वर्ड्स में रिप्रेजेंट करने के लिए ही जाने जाते थे, क्योंकि वो एक बेहतरीन स्पीकर थे। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहते हुए इंडियन ऑफिशियल्स के द्वारा भारत के पैसे का इस्तेमाल किया जाना, यानी कि भारत का जो रेवेन्यू है उसका ड्रेन किया जाना, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जैसे एनुअल बजट्स जो हैं उनके ऊपर भी अपने विचार, अपने इनसाइट्स को सामने रखा। बल्कि वो तो सॉल्ट टैक्स को भी क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। वो यहाँ पर एविडेंसेस के बलबूते पर बातों को सामने रखते थे, फैक्ट्स फिगर्स इकट्ठा करके ही अपनी बातों को रिप्रेजेंट किया करते थे।
उन्होंने सॉल्ट टैक्स को क्रिटिसाइज करते हुए तीन पाई में जितना नमक आता है उसको 5 आने में कैसे बेचा जा रहा था, यानी कि एक्सपेंसिव तरह से कैसे बेचा जा रहा था, इसके बारे में भी बताया। और ब्रिटिशर्स की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज थी, बहुत सारे ऐसे वादे थे जिनको एक्सपोज भी किया, पर्टिकुलरली इंडियन सिविल सर्विसेज के बारे में और इंडिया में दूसरी हायर सर्विसेज के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में कांग्रेस के बनारस सेशन को भी प्रिसाइड किया गया। 1905 ये वही समय था जब भारत के वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल पार्टीशन को अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ भारत में स्वदेशी मूवमेंट देखा जा सकता था। इस बनारस सेशन में हम गोपाल कृष्ण गोखले और लोकमान्य तिलक के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी देख सकते हैं। 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी, जिसका ऑब्जेक्टिव था नेशनल मिशनरीज को ट्रेन करना, जो कि एक्चुअल मैनर में इंडियन लोगों के ही इंटरेस्ट में काम करेंगे, उनके सर्विस के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इसी तरह से इस सोसाइटी से बहुत सारे ट्रेन सोशल वर्कर्स बाहर निकल कर आए। इनमें कई नाम शामिल हैं, जैसे कि NM जोशी, GK देवाधर, श्रीनिवास शास्त्री, ऐसे कई नाम जो आगे चलकर इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है उसको गोपाल कृष्ण गोखले के ही विचारों के आधार पर कंटिन्यू करते हैं। 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड चले गए ब्रिटिश पब्लिक के सामने भारत की सिचुएशन को बयां करने के लिए, कैसे हुआ बंगाल पार्टीशन और उसका क्या असर पड़ा भारत पे, इन सभी चीजों के बारे में ब्रिटिश पब्लिक को बताने के लिए। कहीं ना कहीं ऑफिशियली या अनऑफिशियली गोपाल कृष्ण गोखले को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में आए उसके फॉर्मुलेशन उसके आने का कारण माना जा सकता है। और यही नहीं, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले एक बार फिर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट भी बने। 1910 से 1913 के बीच जब गोपाल कृष्ण गोखले इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा रहे तो उन्होंने फ्री कंपल्सरी एडुकेशन भारत में इंट्रोड्यूस करने की भी मांग की। 1912 से 1915 के बीच इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर के रूप में वो बार बार हायर सर्विसेज में इंडियंस की तादाद को बढ़ाने की मांग करते रहे। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को ट्रू लिबरल कहा जा सकता है, एक ऐसे नेता जो मॉडरेशन में विश्वास रखते थे। एक्चुअल में 1885 में कांग्रेस के गठन से लेकर 1905 तक का जो दौर है वो कांग्रेस के नेताओं का मॉडरेट फेज का ही दौर कहलाता है, जिस समय के नेता नरम दल के नेता कहलाते हैं। ये वो लीडर्स हैं जो मॉडरेशन में, रीजनेबलनेस में विश्वास रखते हैं, जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर अपने ग्रीवांसेस को शोकेस नहीं करते, बल्कि इनका मानना है कि ब्रिटिशर्स के सामने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर, पेटिशन के थ्रू और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू अपनी तकलीफों को पहुंचाया जा सकता है। ब्रिटिशर्स इसीलिए भारत में बेहतर पॉलिसीज नहीं ला पा रहे क्योंकि वो भारतीयों को जानते नहीं, इसलिए मॉडरेट लीडर्स जो ऐसा मानते थे वो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को भारत की बेहतर छवि, बेहतर इमेज पहुँचाना चाहते थे ताकि बेहतर इंडिया के इंटरेस्ट में एक्ट्स लाए जा सकें। गोपाल कृष्ण गोखले भी उन्हीं में से एक थे। वो यहाँ बहुत ही आर्टिस्टिक मैनर में, हम कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का, हम कह सकते हैं कैंडिड लैंग्वेज में ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करते थे। असल मायने में तो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक इंटरमीडिएटरी का काम किया है ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में। एक तरफ जहां वो इंडियंस के ग्रीवांसेस को, इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक कांग्रेस जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए शोकेस करते थे, वहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कांग्रेस के सामने इंटरप्रेट करने का भी काम करते थे। लेकिन इसी कारणवश यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्हें गवर्नमेंट का भी और कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल के नेताओं का क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। आइए देखें कैसे। वैसे तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट फेज के लीडर माने जाते हैं और मॉडरेट लीडर्स अक्सर गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही हुआ करते थे।
लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले को गवर्नमेंट के द्वारा कई ओकेशंस पे एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वाले नेता के रूप में दर्शाया गया। ऐसे ही कुछ लेटर्स हैं जो कि लॉर्ड मिंटो, जो भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे, और जॉन मॉर्ले, इंडिया के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बीच में ट्रांसफर किए गए। इन लेटर्स में गोपाल कृष्ण गोखले का भी जिक्र मिलता है, जहां मिंटो साहब ये कहते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले एक बच्चे के समान है जिसे बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन जॉन मॉर्ले का व्यू था कि गोपाल कृष्ण गोखले एक ऐसी छुरी के समान है जो कभी भी सरकार के खिलाफ पलट सकती है, यानी कि पलटवार कर सकती है। एक्सट्रीमिस्ट लीडर बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले के लाइफ लॉन्ग पॉलिटिकल ओपोनेंट माने जा सकते हैं, जिन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को फेंट हार्टेड मॉडरेट, नाजुक दिल का मॉडरेट बताया है। लेकिन वहीं गोपाल कृष्ण गोखले की जब मृत्यु हुई 19 फरवरी 1915 को, तब बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा कि ये भारत का ऐसा हीरा है, महाराष्ट्र का ऐसा हीरा है जो अब फाइनली यहाँ पर अंतिम शैया में पहुंच गया है। उसे कॉपी नहीं किया जा सकता, उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ देखा जा सकता है और उससे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले साउथ अफ्रीका में जद्दोजहद करने वाले, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट करने वाले महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में भी उभरे। 1912 में साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी की गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात हुई, तब उन्हें समझ आया मास मूवमेंट का महत्व और कैसे मासेस को इकट्ठा करके एब्सोल्यूट अथॉरिटीज को सुनवाया जा सकता है और अपने अकॉर्डिंग काम करवाया जा सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले को मोहम्मद अली जिन्ना का भी पॉलिटिकल गुरु माना जाता है।